सनम जावेद के केपी हाउस पहुंचते ही वहां उनसे मिलने के लिए कौन आ गया है और इस मुलाकात में सनम जावेद को क्या पैगाम दिया गया है? क्या आने वाले दिनों में सनम जावेद भरपूर तरीके से एक्शन में नजर आने वाली हैं? और अगर ऐसा होने वाला है तो फिर लगता यह है कि मरियम बीबी की पंजाब हुकूमत की कांपे शायद अभी से टांगना शुरू हो चुकी होंगी। मामला यह है कि सनम जावेद को केपी हाउस मुंतकिल किया गया और केपी हाउस के तर्जुमान और वजीर आला केपी के तर्जुमान ने बताया कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर के दावतनामे पर स्टेट गेस्ट का दर्जा देकर उनकी फैमिली को केपी हाउस में जुमेरात तक रखा गया है, जहां उन्हें जुमेरात को दोबारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होना है। अब एक तरफ तो ये मामला है कि वो केपी हाउस में मौजूद हैं, जहां अंदर सिक्योरिटी मौजूद है और वहां पर इस्लामाबाद पुलिस अंदर दाखिल नहीं हो सकती। वहीं पर सनम जावेद से मिलने के लिए खसूसी तौर पर पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन आए हैं। रऊफ हसन ने सनम जावेद से वन ऑन वन मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान सनम जावेद को एक बार फिर इमरान खान का पैगाम दे दिया गया है। याद रहे कि जब पंजाब हुकूमत बनी और पंजाब असेंबली के अंदर मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात की गई तो उस वक्त सनम जावेद का नाम भी सामने आया था और उसके बाद डॉक्टर यास्मिन राशिद आलिया हमजा इन लोगों के हवाले से इमरान खान ने कहा था कि इन लोगों के लिए रिजर्व सीट्स की कोई अहमियत नहीं है, इन्होंने जो किरदार अदा किया है तारीख में ये हमेशा याद रखा जाएगा। अब कुछ जराये के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि सनम जावेद को ऑफर किया गया है कि आप ये बताएं कि आप पंजाब असेंबली में आना चाहती हैं, आप कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर आना चाहती हैं या आप केपी असेंबली में आना चाहती हैं। अब अगर सनम जावेद केपी असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर आएंगी तो मुमकिन तौर पर वहां उन्हें केपी हुकूमत में कोई बड़ा ओहदा भी मिल सकता है। वजीर आला केपी का उन्हें यूं केपी हाउस में रखना ये इस तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन अगर उन्हें कौमी असेंबली में लाया गया तो मुमकिन तौर पर 2-4-6 माह के बाद पीटीआई अगर मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाए तो इसके 2-4-6 माह बाद एक इन हाउस तब्दीली की कोशिश भी की जा सकती है। कहीं पर यह शोर भी मौजूद है कि शायद शहबाज शरीफ को भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए रुखसत किया जाए और इसी असेंबली से नई हुकूमत बनाई जाए तो इसमें सनम जावेद वजीर इत्तलात का ओहदा भी हासिल कर सकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत की बात और नून लीग की पंजाब हुकूमत के लिए फिक्र की बात यह है कि अगर सनम जावेद पंजाब असेंबली में आ गई तो वहां उनका रोज की बुनियाद पर सामना होगा मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत से, और जब मरियम नवाज भी असेंबली में आकर बैठा करेंगी तो फिर सनम जावेद जो तकरीर करेंगी इससे पीएमएलएन के हल्के और मरियम नवाज की हुकूमत अभी से खौफजदा है। अब सनम जावेद कहां का इंतखाब करती हैं ये देखना होगा।